नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव सेवन। इंडिया लाइव सेवन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अभी की खबर पर। नीतीश कुमार और बिहार सरकार के नीतियों के खिलाफ रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर पूरे बिहार में मानव श्रृंखला लगाकर विरोध किया गया। तो वहीं जहानाबाद के रालोसपा जिला अध्यक्ष पिंटू कुशवाहा के नेतृत्व में जहानाबाद में भी विरोध के लिए मानव श्रृंखला लगाया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में रालोसपा के कार्यकर्ता एवं आम जनता भी शामिल हुए। वहीं रालोसपा के महिला कार्यकर्ता भी इस मानव श्रृंखला में चढ़ बढ़कर हिस्सा ली। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर शिक्षा सुधार के लिए हम लोग आज शहरी क्षेत्र के उनका मध्य विद्यालय में हम लोग मानव कतार लगाए। इससे पहले भी हम लोग कार्यक्रम चलाए हैं, महामहिम राज्यपाल जी को 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाए, कस्तूरबा विद्यालय में हम लोग पुस्तक वितरण किए, उसके बाद आज हम लोग मानव कतार लगाकर राज्य सरकार को युवाओं के लिए रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा सुधार करने के लिए मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार जो सोया हुआ है उसको जगाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सिपाही की जो एग्ज़ाम हो रहा था परीक्षा, उसमें आप लोग देख चुके हैं किस तरह मारामारी हुआ है। युवा रोड पर चल रहा है, बेचारे लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं और इसी मानव कतार के लिए आज हम लोग कतार के माध्यम से कहना चाहते हैं युवा को रोजगार मिले, शिक्षा सही ढंग से चले। जिले में कितने जगह पर मानव कतार? हम लोग जिले शहरी क्षेत्र में 2 जगह लगाए हैं, ऊटा मध्य विद्यालय और जाफरगंज के। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया लाइव सेवन। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।